नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। माँ बनने की खुशी को शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। इस लम्हे को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वहीं ये बात सच है कि अधिक उम्र में माँ बनना मुश्किल होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ओवरी में एग काउंट भी कम होने लगता है। वहीं 35 की उम्र के बाद मां बनने पर कुछ अन्य परेशानियां जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज या बच्चे में क्रोमोसोम असामान्यता आ सकती है। पिछले दो दशकों में 20s में मां बनने वाली महिलाओं की संख्या में कमी आई है। अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं देर से मां बनती हैं और इसका कारण उनका करियर या देर से शादी होना हो सकता है। ऐसा ही कुछ तेलुगु की जानी मानी एक्ट्रेस नमिता वंकावाला के साथ हुआ है। नमिता वंकावाला 41 की उम्र में मां बनने का सुख लेने जा रही हैं। प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही नमिता आए दिन सोशल मीडिया पर बेबी बंप की पिक्चर्स भी शेयर करती हैं। हाल ही में इस एक्ट्रेस का मैटरनिटी शूट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस खूबसूरत मैटरनिटी शूट में एक्ट्रेस ब्लैक साड़ी में दिख रही है। इस एक्ट्रेस ने ये फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि वो एक अच्छी मां बनने की ट्रेनिंग ले रही है। इस वायरल फोटो शूट के साथ साथ फैंस लगातार ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या 40 की उम्र के बाद मां बनना या प्रेग्नेंट होना पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महिलाएं 40 की उम्र के बाद भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, बशर्ते उनका खान पान और लाइफ स्टाइल बेहद अच्छा हो। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि 40 की उम्र के बाद प्रेग्नेंट होने में कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। गर्भधारण करने में दिक्कत हो सकती है, एग्स की क्वालिटी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, हेल्थ से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में रिस्क हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ऐसा कहीं भी साबित नहीं हुआ है कि महिलाएं 40 की उम्र के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। अगर महिलाएं लगातार अपने खान पान और अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दें तो वो 40 के उम्र के बाद भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।